मंगलवार तालाब की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण हो, इस उद्देश्य से सोमवार को साईं मंदिर नई मंगलवारी यहां आम आदमी पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उत्तर नागपुर वार्ड क्रमांक 5 के तहत नई मंगलवारी क्षेत्र में लगभग 300 साल पुराना तालाब है, जो पिछले 20 से 30 वर्षों से एक दुर्गंध युक्त और बीमारी को आमंत्रित करने वाला तालाब बन चुका है। ये तालाब पहले 3 एकड़ के क्षेत्र में था। इस तालाब के पानी का उपयोग क्षेत्र के लोग पीने के लिए करते थे, लेकिन समय के साथ तालाब के चारों और अतिक्रमण के कारण झील बहुत छोटी सी हो गई है। बाढ़ लाइन से पानी के साथ साथ आसपास की गंदगी और कचरा और स्वच्छता के कारण झील प्रदूषित है। इससे क्षेत्र के नागरिकों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से सोमवार को आंदोलन किया गया। विजय नंदनवार, आम आदमी पार्टी प्रभाग 5 का अध्यक्ष। हा जो तलाव है हा पुरातन तलाव है। या तलावामध्ये जे गडरचं पाणी आहे आणि जो केरकचरा आहे यामुळे हा तलाव अतिशय दूषित झालेला आहे। त्यामुळे येथील जे परिसरातील नागरिक आहे या नागरिकांना राहणं नकोसं झालेलं आहे, कारण जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा या पावसामध्ये हा तलाव पूर्ण बुजून लोकांच्या घरामध्ये ते घाणेरडं पाणी साचून जातं। तालाब को सुंदर बनाने के लिए नागरिकों ने स्थानीय पार्षदों, स्थानीय विधायकों और सांसदों और नगर निगम के अधिकारियों को निवेदन दिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। झील के सौंदर्यीकरण का काम शुरू नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एक और जहां नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयास किए जा रहे, वहीं उत्तर नागपुर की इस ऐतिहासिक तालाब को स्थानीय अधिकारियों और प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। नमस्कार, मैं विजय नंदनवार, आम आदमी पार्टी प्रभाग 5 अध्यक्ष। हा जो तलाव है हा पुरातन तलाव है। या तलावामध्ये जे गडरचं पाणी आहे आणि जो केरकचरा है यामुळे हा तलाव अतिशय दूषित झालेला आहे। त्यामुळे येथील जे परिसरातील नागरिक आहे या नागरिकांना राहणं नकोसं झालेलं आहे, कारण जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा या पावसामध्ये हा तलाव पूर्ण बुजून लोकांच्या घरामध्ये ते घाणेरडं पाणी साचून जात। इस दौरान आम आदमी पार्टी उत्तर नागपुर के सहसंयोजक विजय नंदनवार के नेतृत्व में मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाने को निवेदन सौंपा गया। सौंदर्यीकरण का काम शुरू नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी की ओर से तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी इस दौरान दी गई। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।